नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनकर हुआ तैयार। भारत के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ बिहार का यह थाना। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आए पर्यटक ने बक्सर पहुंचने के बाद कही ये बात। बिहार में फसल योजना के लिए इन 4 फसलों का होगा रजिस्ट्रेशन। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लेगी बीटेक छात्रों की मदद। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोंकण रेलवे ने 41 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल मिलाकर 41 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री पास होने के साथ ही पदों के अनुसार 3 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समझदारी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 19, 20, 23, 24 और 30 जनवरी 2023 को होना निर्धारित है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट konkanrailway.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनकर हुआ तैयार। राज्य का उसका पहला वानिकी कॉलेज मिल गया है। बता दें कि इस कॉलेज का निर्माण बिहार के मुंगेर में करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से करीब 96 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिसका हस्तांतरण इसी महीने सबौर कृषि महाविद्यालय के कुलपति को किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉलेज का निर्माण कार्य वर्ष 2022 में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके हस्तांतरित सहित अन्य तकनीकी प्रक्रिया बाकी थी, जिसे इस महीने 14 जनवरी के बाद पूरा कर कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर में बने इस कॉलेज में बड़े स्तर पर वानिकी की पढ़ाई शुरू की जाएगी और साथ ही शोध कार्य भी कराए जाएंगे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका शिलान्यास 25 दिसंबर 2019 में किया गया था। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लेगी बीटेक छात्रों की मदद। राज्य में बढ़ते साइबर से जुड़े अपराध को देखते हुए बिहार की राजधानी पुलिस यानी कि पटना पुलिस के द्वारा इन मामलों को सुलझाने के लिए बीटेक के छात्रों की मदद ली जाएगी। बता दें कि इन छात्रों को साइबर सेल में कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल किया जाएगा। पटना के रेंज IG राकेश राठी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस तरह के प्रस्ताव को EOU के पास भेजा गया है। दरअसल कई ऐसे अनुसंधानकर्ता हैं जिन्हें तकनीकी जानकारी नहीं है, जिस वजह से कई मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए अब बीटेक छात्रों की मदद से इन पर लगाम कसने की कोशिश की जाएगी। भारत के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ बिहार का यह थाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 2022 के देश के टॉप 3 थानों का चयन किया गया है, जिसमें अरवल महिला थाना का भी चयन किया गया है। जिसके बाद इस थाना की थानाध्यक्ष पूनम चौधरी को 20 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के द्वारा अरवल महिला थाना का निरीक्षण किया गया था। मालूम हो कि वर्ष 2021 का पुरस्कार अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना को दिया गया था। वहीं इस पर ADG जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि देश भर के थानों की जो रैंकिंग है उसमें बिहार का प्रदर्शन लगातार बना हुआ है। नदियों में गंदे नालों के पानी के गिरने को लेकर NGT हुई सख्त। नदियों में गंदे नालों के पानी के गिरने को लेकर NGT हुई सख्त। नदियों में शहरों के गंदे नालों के पानी को नहीं गिराया जा सके, इसके लिए कई शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर नगर विकास विभाग भी काफी सख्त हो गई है। बता दें कि नगर विकास विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के 14 शहरों के 33 नालों के गंदे पानी का शोधन किया जाएगा, जिसके बाद ही उसके पानी को नदियों में गिराया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए विभाग की ओर से एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही चयन की गई इन एजेंसियों को यह भी कहा गया है कि पानी का शोधन किए जाने के बाद इसकी गुणवत्ता की भी जांच। वहीं NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इस पर सख्ती दिखाते हुए यह निर्देश दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हर एक माह प्रत्येक नाले के हिसाब से 5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में देना होगा। राजधानी में ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक सभी स्कूलें हुई बंद। राज्य में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा फैसला लेते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करवा दिया गया है। बता दें कि DM के आदेश के बाद राजधानी के 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ठंड को देखते हुए केवल 7 जनवरी तक ही स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के बंद करने की तारीख को बढ़ाकर 14
जनवरी तक कर दिया गया है ताकि बच्चों की तबीयत में ठंड से किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। समाधान यात्रा में सीएम नीतीश ने वैशाली जिले में विकास योजनाओं का लिया जायजा। बीते दिन समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वैशाली जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। इसके साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान निकालने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री गुड़ौल प्रखंड कटरमाला पंचायत के हरसेर गाँव पहुँचे और वहाँ स्थित मजार पर चादर पोसी कर राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। सतत जीविकोपार्जन से जुड़े 151 लाभार्थी जीविका दीदियों को 15,10,000 रुपए का चेक सौंपा। दिव्यांगों से मुलाकात की और उनके बीच ट्राई साइकिल वितरित की। हुसैना खुर्द ग्राम पंचायत में स्थित स्वास्थ्य केंद्र का भी मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जानकारी ली गई। बिहार में शिक्षकों को नौकरी से निकलवाएगी जीविका दीदियों की रिपोर्ट। बिहार के वैसे सरकारी शिक्षक जो मनमानी तरीके से कक्षा में हाजिर और गैर हाजिर होते हैं, उन शिक्षकों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दौरान बिहार के सीतामढ़ी में कहा कि प्रदेश में जल्द ही शिक्षकों की कमी को पूरी की जाएगी, सभी शिक्षकों की बहाली सर्वे कराकर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी विद्यालयों में ठीक ढंग से पढ़ाई हो, शिक्षक उपस्थित रहे, इन सभी चीजों पर जीविका दीदियों के द्वारा नजर रखी जाएगी, जिसके बाद स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती है तो जीविका दीदियां उसे लेकर रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मनमानी तरीके से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। खानसर का किस्सा सुन इमोशनल हुए कपिल शर्मा। पटना के खानसर टीवी पर सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में द कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। खानसर वाले इस एपिसोड में एक भाग ऐसा आता है जहां कपिल शर्मा खानसर की बातों को सुन इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल खानसर द कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा के साथ एक किस्सा शेयर करते ही नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक लड़का आलू बेचकर मेरी फीस चुकाता था, इसलिए मैं उससे पैसे नहीं ले सकता था। उसी दिन मैंने यह फैसला लिया कि कोई भी जो पढ़ना चाहता है या जहां तक पढ़ना चाहता है मैं सब करूंगा। जिसके बाद खान सर की इस कहानी को सुनकर कपिल शर्मा काफी भावुक हो जाते हैं और सभी फैजल खान यानी कि खान सर की नेक पहल के लिए उनके लिए तालियां बजाते हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आए पर्यटक ने बक्सर पहुंचने के बाद कही ये बात। देश में बने आलिशान और बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास पर सवार कर स्विट्जरलैंड और जर्मनी के लगभग 32 पर्यटक गंगा के रास्ते बक्सर पहुंचे, जहां उनकी प्रक्रिया आशा जगाने वाली थी। इस दौरान ये सभी पर्यटकों ने करीब 2 घंटे बक्सर में बिताए और यहां मौजूद कटकौली गांव में बने ऐतिहासिक युद्ध स्मारक सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का भ्रमण किया। वहीं बक्सर आने के बाद इन सभी पर्यटकों का कहना है कि उनका बक्सर आना काफी मजेदार रहा और यहां के लोग काफी अच्छे और सार है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ घूमना अच्छा लगा, हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ शोर काफी अधिक है। गंडक पर बनेगा देश का सबसे लंबा नदी पुल। उत्तर बिहार को सीधे यूपी से जोड़ने के लिए गंडक पर 11.24 किलोमीटर लंबा फोर लेन का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस पुल की गिनती देश के सबसे लंबे नदी पुल में की जाएगी। मालूम हो कि इस पुल का निर्माण बेतिया के भड़पटिया स्थित NH-727 से यूपी के कुशीनगर के पडरौना में NH-730 को जोड़ने वाले प्रस्तावित फोर लेन में इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दी जा चुकी है। वहीं अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद इसके निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इस नए फोर लेन का नाम NH-27AA रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर होगी, जिसमें से 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। बिहार में ठंड ने सभी पुराने रिकॉर्ड को किया ध्वस्त। बिहार में ठंड का प्रचंड सितम अब जानलेवा साबित होने वाला है। बिहार मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ठंड ने बिहार में सभी पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले इतनी ठंड 64 साल पहले पड़ी थी। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे बिहार में फिलहाल अधिक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस दौरान हवा की रफ्तार में भी 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्से में बर्फीली हवाएं 8 से 13 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। आने वाले दिनों में बर्फीली हवाओं के प्रभाव से राज्य में दिन के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान है। वहीं उत्तर बिहार में 11 जनवरी तक घने कोहरे के आसार होंगे। बिहार में फसल योजना के लिए इन 4 फसलों का होगा रजिस्ट्रेशन। सहकारिता विभाग के द्वारा किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए उन 4 फसलों को लेकर आदेश जारी किया गया है जो प्राकृतिक आपदा सहित अन्य कारणों से प्रभावित होते हैं। हालांकि ये आर्थिक मदद उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो किसान नुकसान की स्थिति में फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बता दें कि विभाग के द्वारा जिन फसलों के लिए आदेश जारी किया गया है उनमें गेहूं, मक्का, मसूर और राई सरसों शामिल है। बता दें कि DCO के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
अनुसार किसानों को विभागीय साइट paxonline.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। शराब तस्करी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना से उत्पाद विभाग की टीम व पीटा पुलिस के द्वारा पटना स्थित बीटा खगौल मुख्य मार्ग पर श्रीरामपुर गांव के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाकर भारी मात्रा में ट्रक से शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा ट्रक चालक समेत शराब तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि थाना प्रभारी सोनवर खान के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए है। वहीं फिलहाल इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रक में भरी यह शराब की खेप कहां से आई है और कहां जा रही थी। जल्द शुरू होगा जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा गंगा नदी पर दिग्घा और सोनपुर के बीच बने जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन के पुल के निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब आगे की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल के निर्माण को लेकर 3064.45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मालूम हो कि इस पुल की लंबाई 4.55 किलोमीटर होगी। वहीं अगर पहुंच पथ समेत इस पुल की लंबाई को देखा जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6.92 किलोमीटर की होगी। इस पुल के निर्माण होने से उत्तर बिहार से पटना का संपर्क और भी सुगम हो जाएगा। वहीं लोगों के पास भी जेपी सेतु के बाद एक और विकल्प होगा। 4 DG समेत 12 IPS इस साल होंगे रिटायर। इस साल के अंत तक बिहार कैडर के IPS अधिकारियों में 4 DG रैंक के अधिकारी समेत 12 IPS अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। इस लिस्ट में जिन अधिकारियों का नाम शामिल है उनमें DG रैंक के अधिकारी सिलवर्धन सिंह, AC महाराजन, मनमोहन सिंह, IPS अधिकारी अरविंद्र पांडे, ADG रैंक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए नीरज सिन्हा, पूर्णिया प्रमंडल के IG सुरेश प्रसाद चौधरी, तिरहुत के IG पंकज सिन्हा, मिथिला रेंज के IG ललन मोहन प्रसाद, पुलिस आधुनिकीकरण के IG नवल किशोर सिंह, चंपारण रेंज के DIG प्रणव कुमार प्रवीण, विजिलेंस के DIG अश्विनी कुमार और होमगार्ड के DIG अरविंद ठाकुर का नाम शामिल है। सर्वेक्षण कार्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी भी बनेंगे लिपिक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्वेक्षण कार्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी लिपिक बनाने को लेकर बिहारी सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि इसके तहत लिपिक की संवर्ग संरचना 4 कोटी में होगी, जिसमें से पहला निम्न वर्गीय लिपिक के 50% पद, प्रथम प्रोन्नति स्तर के उच्च वर्गीय लिपिक के 30%, द्वितीय प्रोन्नति स्तर के प्रधान लिपिक के 15% और तृतीय प्रोन्नति स्तर के सहायक प्रशासी पदाधिकारी के 5% पद होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो वहीं अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। वहीं अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता एंटर के साथ कंप्यूटर संचालन व टंकन का ज्ञान होना चाहिए। नीतीश की समाधान यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बीते दिन वैशाली के गुड़ौल पहुंची। बता दें कि वैशाली में हुई इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यहां इसलिए आए हैं ताकि यहां पता चल सके कि कितने लोग गरीब हैं, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है। इन सभी चीजों को देखकर हम उस आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर केंद्र को भिजवा देंगे कि अब आप देख लीजिए। केंद्र का काम ही यही है वह पूरे देश और पूरे राज्य को विकसित करे। अगर कोई राज्य पिछड़ा है तो उसे आगे तो बढ़ाना ही है, केवल जाति जनगणना से नहीं चलना है, आर्थिक स्थिति को भी जानना है। सीएम नीतीश के खिलाफ किए बयानबाजी पर सुधाकर सिंह का बयान। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी बीच सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं महागठबंधन के खिलाफ नहीं हूं, मेरी कवायद तो महागठबंधन को भाजपा के खिलाफ वाली लाइन पर ही रखने की है। भाजपा का किसान विरोधी चेहरा किसी से छुपा है क्या? मैं तो सिर्फ पार्टी की बातों को दोहरा रहा हूं। तेजस्वी जी ने भी मेरा विरोध नहीं किया, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आखिर मेरा दोष क्या है, मुझ पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, मैं किसानों के लिए खुलकर काम करता। उपेंद्र कुशवाहा और शिवानंद तिवारी क्या कहेंगे? कौन नहीं जानता कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने के पीछे शिवानंद तिवारी का भी हाथ था। वहीं उपेंद्र जी का पाला बदल किसी से छुपा है क्या?
आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ली चुटकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राजगीर के हॉकी मैदान में आयोजित वन भोज सह जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज तक कोई भी यात्रा से जनता के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिस वंशवाद के खिलाफ राजनीतिक शुरुआत की थी उसी के गोद में जाकर बैठने का काम कर रहे। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार को काम करने में मन नहीं लगता, इसलिए वे बस अब घूमते रहते हैं। आज के समय में बिहार में सभी प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, क्या इसका कोई समाधान है मुख्यमंत्री के पास? नीतीश कुमार बस एक ही रट लगाए बैठे हैं, शराबबंदी, जबकि राज्य को इससे हर साल 30,000 करोड़ बर्बाद हो रहा है। क्या सिर्फ जातीय जनगणना कराने से बिहार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नीतीश कुमार इस तरह की यात्रा से सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1890 में हिंदी साहित्यकार रामचंद्र वर्मा का जन्म हुआ। 1908 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नीरज नाडिया का जन्म। 1909 में उपन्यासकार आशापूर्णा देवी का जन्म। 1926 में भारतीय ओडिसी नृत्यांगना केलुचरण महापात्र का जन्म। 1929 में भारतीय अभिनेता सईद जाफरी का जन्म। 1938 में भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा का जन्म। 1975 में भारतीय संगीतकार हैरिस जयराज का जन्म। एक प्रसिद्ध धार्मिक व समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के स्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का 1884 में निधन हुआ। भारत सेवा श्रम संघ के स्वामी प्रणवानंदा महाराज का 1941 में निधन हुआ। पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का 1984 में निधन हुआ। क्रिकेटर पीजी जोशी का 1987 में निधन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया के सहयोगी रहे मधु लिमाय का 1995 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे कोविड 19 के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कोविड 19 के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस एक सीजनल वायरस है जिसमें शारीरिक दूरी और आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, कोविड 19 एक संक्रामक रोग है। सुरक्षित रहने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते रहें। आधार में इन स्टेप से अपडेट करें हेड ऑफ द फैमिली। UIDAI के द्वारा कुछ सुविधा दी जाती है जिसकी मदद से आपका एड्रेस बदल जाए तो उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो संस्थान के द्वारा एक नया तरीका पेश किया गया है। बता दें कि UIDAI ने हेड ऑफ द फैमिली की अनुमति से आधार कार्ड में पते को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए रेसिडेंस फ्रेंडली सुविधा शुरू की है, जिसके तहत आप बच्चे, पति या पत्नी, माता पिता आदि अपने आधार कार्ड में अपना पता अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप भी अपने आधार में HOF को अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले माई आधार कार्ड पोर्टल पर जाएं, फिर अपडेट एड्रेस टैब पर जाएं, HOF के लिए वैध आधार संख्या दर्ज करें। HOF के आधार नंबर के सफलतापूर्वक वेरीफाई होने के बाद संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करें। 50 रुपए के सफल लेनदेन के बाद आपको एक सेवा अनुरोध संख्या दी जाएगी। इसके अलावा HOF को पते के अनुरोध के बारे में SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर HOF अनुरोध को स्वीकार करता है और नोटिफिकेशन मिलने के 30 दिनों के भीतर माई आधार पोर्टल में साइन इन करके अनुमोदन व्यक्त करता है तो अनुरोध को आगे बढ़ाया जाएगा। शूटिंग के दौरान चोटिल हुए रोहित शेट्टी। बीते दिन शूटिंग के दौरान बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के कामिनीनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि रोहित शेट्टी अपनी पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें हाथ में चोट लग गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रोहित शेट्टी कार चेस सीन में चोटिल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हाथ में सर्जरी कर दी गई है। हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 में 91 रन से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों का तीसरा मुकाबला बीते दिन राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने इस मैच को 91 रन से जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में लंकाई टीम 16.4 ओवर में 137 रनों पर सिमट गई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दिव्यांशु कुमार, कुश कुमार यादव, अंबिका कंठ, संदीप कुमार, रवि कुमार राम, नन्नू कोलू कुमार, रविशंकर, इंद्रभूषण रवि, रविंद्र पासवान, अखिलेश यादव, रूपेश कुमार, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, संतोष कुमार, रहमत परवीन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 सीरीज में किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।